सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल राजपूताना किचन को और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रॉयल राजपूताना किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई रेसिपी। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मूली के पराठे की। तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं, और इन पराठों को आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मूली के पराठे बनाने के इंग्रेडिएंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये है 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च है यहाँ पे, ये चॉप्ड है। ये है स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक। ये है 4 साबुत मिर्ची। ये यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन। इसमें 1.5 टीस्पून यहाँ पे है ये यहाँ पे चाट मसाला। 1 टेबल स्पून सूजी। 1 टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला। 1/2 टीस्पून काली मिर्च। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मक्के का आटा। जीरा एंड 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक। यहाँ पे कुछ कटे हुए हरी धनिया की पत्तियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 1 kg रेडिश, मतलब 1 किलो यहाँ पे हमारे पास मूली है। इसे हमने मूलियों को धो लिया है और कद्दूकस इसमें हमने कर लिया है। इससे जो धो के छील के फिर कद्दूकस किया है हमने यहाँ पे इसे। और ये लगभग 1 बाउल के लगभग ये हमारे पास आटा है। 1 टीस्पून यहाँ पे है लाल मिर्च। अब हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग इसमें नमक डाल देंगे। हम लोग इसमें 1/2 नमक डाल रहे हैं अभी यहाँ पे इस स्टेज में आपको, और इस नमक को इसमें हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम लोग नमक मिक्स इसलिए कर रहे हैं जिससे पानी छोड़ दे और फिर बाद में हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो नमक मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए आपको रख देना है। अब फ्रेंड्स, इसे हम लोग ने नमक मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे यहाँ पे इसे अच्छे से, जिससे पानी छोड़ दे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक है ना साफ कपड़ा लिया है। अब हम इसमें हमारी जो मूली है जिसे हम लोगों ने 15 मिनट के लिए रख दिया था नमक में, तो वो डालेंगे हम। और ऐसे हम लोगों को इसमें पूरा पानी इसमें से ऐसे दबा दबा के हमने निचोड़ना है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए। और अगर ज़रा सा भी पानी रहा तो आपके जो पराठे हैं वो फट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसमें थोड़ा जोर आएगा बट लास्ट में जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, इसे दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से इसे निचोड़ना है आपको। सो फ्रेंड्स, हमारी ये मूली जो है हमने ये पूरी निचोड़ के तैयार कर ली है, और इसका जो पानी है वो हमने अलग कर लिया है। तो इसके पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसके पानी को आपको सिक्योर करके रखना है, क्योंकि ये हमारे आटा लगाने के काम में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने अब पूरी मूली निचोड़ ली है। अब हम मूली के पानी को गर्म कर लेंगे और हम लोग अब पराठों के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप एक पराठी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ बड़ा बर्तन आप ले लीजिए। उसमें आप पूरा आटा हमने डाल दिया। आटा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें डालेंगे हम मक्के का आटा।
मक्के का आटा डालने के बाद सूजी, सूजी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, इसमें हम इसमें नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमारे पानी में भी नमक है इस वजह से। तो नमक डालने के बाद हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने जो मूली का पानी लिया था उससे आटा लगाएंगे। तो एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, जैसा हम लोग रोटियों के लिए तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें तैयार करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा के भी इसमें तैयार कर सकते हैं, तो वो बेलने में थोड़ा इजी रहेगा, बट यहाँ हमें रोटियों जैसा ही आटा लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट सा आटा लगाना है, ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा वो सख्त होना चाहिए आटा, नॉर्मल आटा लगाना है हमें, नहीं तो पराठे बनेंगे नहीं हमारे। अब हमें इस स्टेज पे इसमें हमें हमारा जो 1 टेबल स्पून हमने जो घी लिया था वो डाल देंगे हम इसमें, जिससे हमारा जो आटा है वो थोड़ा सॉफ्ट लगे और नीचे चिपके नहीं, वो पराठी के नीचे चिपके नहीं, और पराठे भी इससे काफ़ी अच्छे बने। तो आप चाहे तो घी गरम करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने गरम करके ही डाला है क्योंकि सर्दियों के मौसम में घी जम जाता है, तो गरम करके ही हम इसमें घी डालेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको घी ही डालना है क्योंकि तेल से वो टेस्ट नहीं आता जो घी से टेस्ट आता है। सो अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो ये तो और भी अच्छी बात है, आप उसी को डालें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। सो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा ये पतला है, ना ज़्यादा ये ढीला है, ना ज़्यादा ये थोड़ा सख्त आटा है। तो ऐसा ही आपको नॉर्मल आटा लगा के और आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए, और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम हमारी स्टफिंग बना देंगे। तो हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रख देंगे, और हम तब तक हमारी स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब इस पैन में हम लोग डालेंगे ऑयल, तो ये लगभग 1 टेबल स्पून के लगभग ये ऑयल है। इसमें आपको ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम ही आपको ऑयल डालना है इसमें। तो इस ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा डाल देंगे, और जीरा डालने के बाद इसे हल्का सा चला लेंगे। तो अब जीरा चटक चुका है। अब जीरा चटकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से हम लोग इसमें डाल लेंगे और इसमें फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्च फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी मूली। इसमें हमने हमारी मूली डाल दी। अब मूली डालने के बाद इसको अच्छे से हमें तेल के साथ मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल लाल मिर्च, जिसे हमने क्रश कर लिया है इन लाल मिर्चों को। लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये जीर, यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला। ये डाल देंगे हम इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर, और फिर हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, और हम इन लोगों को, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। हमें मूली के साथ सारे मसालों को मिक्स कर देना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हमारा नमक, तो नमक भी डाल देते हैं। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और नमक को भी सारे मसालों के साथ और मूली के साथ हम यहाँ मिक्स कर देंगे। हम इसे पकाते इस वजह से है क्योंकि अगर हम निचोड़ते वक्त हम पूरा पानी ना निकाल पाए तो वो जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, हमारा पूरा पानी मतलब वो भाप बन के पूरा पानी उड़ जाएगा और जितना भी इसमें पानी है वो पूरा पानी निकल जाएगा और हमें आसानी होगी यहाँ पे पराठे बनाने में। तो देखिए फ्रेंड्स ये तैयार है। अभी इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे भी हम लोग मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है, तो अब गैस को हम लोग कर देंगे बंद और इस स्टफिंग को हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पे, और इसे 10-15 मिनट के लिए हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि गरम गरम जब हम लोग इसमें स्टफिंग डालेंगे तो पराठा नहीं बन पाएगा, इसलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारी ये जो स्टफिंग थी ये है ना बन के रेडी हो चुकी है और हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को आटे में से एक छोटी सी लोई हमें तोड़नी है ऐसे, और उसके बीच में सेंटर में थोड़ा डीप कर देंगे और कटोरी जैसी इसमें शेप बना लेंगे और इसे हम लोग ब्रश की सहायता से अंदर से इसे घी से ग्रीस कर देना है हमें ऐसे, और ग्रीस कर देने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग ऐसे हमें इसमें भर देनी है। स्टफिंग भर देने के बाद इसमें हम लोग है ना इसे बिल्कुल पैक कर देंगे कि मसाला ये बाहर नहीं आना चाहिए, इसमें मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, और ऐसे गोल गोल लोई बना के तैयार कर लेंगे। ऐसी लोई बना के तैयार कर देनी है। अब इसे थोड़ा सा सूखा आटा में डिप करते हुए और इसे हम लोग बेल लेंगे ऐसे, हम लोग इसे बेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है आपको। इसे ज़्यादा फोर्सफुली बेलेंगे तो जो मसाला है जो हमारी जो स्टफिंग है अंदर की वो बाहर आ जाएगी, वो निकल जाएगी पूरी, तो इस वजह से इसे आराम से हम लोग बेल लेंगे। अब हम लोग दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा पराठा बेल के तैयार करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस हमें करनी है, थोड़ा इसे गोल कर लेंगे। तब तक आप अपना तवा गर्म होने के लिए रख दीजिए जब तक आपका पराठा बन रहा है, उससे पहले आप तवा गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ दूसरा पराठा भी बना के हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करनी है, इसे घी से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब इसमें हम लोग स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद अब इसे अंदर की साइड हम लोग पुश करते हुए हमें इसमें क्या करना है, सूखे आटे में डिप करने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे सूखा आटा लगाते हुए। सूखे आटे से बेलने में बहुत ज़्यादा इजी होगा आपको, नहीं तो इसे बेलना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। तो यहाँ सूखे आटे से हम लोग बेल लेंगे आराम से इसे, तो ऐसे हमें बिल्कुल गोल शेप में इसे बेल लेना है। और ये हमारा दूसरा पराठा बेल के तैयार है। अब हम लोग इन्हें सेकते हैं, उसके लिए मैंने एक तवा ले लिया है। इस तवे को हमें ब्रश
ब्रश की हेल्प से, या आप चाहे तो किसी भी चीज़ से इसे घी से ग्रीस कर देंगे। यहाँ आप ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ तो इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसे ग्रीस करने के बाद एक पराठा आपको उठाना है और ऐसे इसके ऊपर डाल देना है। जैसे एक साइड से वो सिक रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से इसे सेक देंगे। जैसे आपका तवा बिल्कुल धुएँदार गर्म होने लगे, तो आपको इसमें एक काम करना है, फ्लेम को लो कर देना है और अब तब अपने पराठे को डालना है आपको। और इसे दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल अच्छे से इसे ग्रीस कर देंगे। मैंने दूसरी साइड से भी इसे ग्रीस कर दिया है। अब एक साइड से इसे सिकने देंगे। तो ये एक साइड से सिक के तैयार हो चुका है। अब इसे पलट लेंगे और दबाते हुए सेक लेंगे। हम एक काम करेंगे, अब वापस से एक साइड से इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसे दूसरी साइड से अच्छे से ग्रीस कर देना है। और हमें इसमें अच्छे से ब्रश की हेल्प से घी से इसे ग्रीस करना है, क्योंकि घी से टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब क्या करेंगे, इसे दबाते हुए सेक लेंगे थोड़ा। तो दबाते हुए सेक लेंगे इसे। अब वो वापस पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, एक और साइड से इसे सेक लेंगे। एक और बार इसे एक साइड से और सेक लेंगे। और अब हमें इसे सिर्फ लास्ट बार अब बस ग्रीस करना है हमने इसे। तो डिप करेंगे और लास्ट बार इसे ग्रीस करेंगे। इसके बाद में आपको ग्रीसिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घी से जो पराठे का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा दबाएंगे। तो ये साइडों में से हल्का हल्का से, देखिए यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है, तो हल्का हल्का सा साइडों में से फूलने लगेगा। अब इसे सिकने देंगे और फिर से इसे पलट लेंगे। अब बस इस साइड से तो ये सिक चुका है, अब दूसरी साइड से हम इसे सेकेंगे। तो ये देखिए, ये फूल चुका है ये पराठा। अब हम इस ये सिक चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा पराठा सेकेंगे। तो उसके लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपको अपने तवे को ग्रीस कर देना है। बीच में जा ग्रीस करना है आपको, साइडों में से ग्रीस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइडों में फिर घी जमा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो दूसरा जो पराठा था वो ऐसे डाल देंगे। साइडों में जो हमारा घी है उसे ले लेंगे और उसे सेंटर में ले लेंगे। ऐसे आपको इसे, है ना, और आपको ऐसे करना है इसे। और सेम प्रोसेस करनी है इसमें, दूसरी साइड से हम इसे ग्रीस कर देंगे। अब इसे ब्रश की सहायता से पूरा हम लोग इसे ग्रीस कर देंगे। तो ये एक साइड से सिक चुका है, अब इसे पलट लेते हैं। अब इसे ऐसे पलट लेंगे। जब तक ये दूसरी साइड से सिक रहा है, तो पहली साइड जहाँ से अपन लोगों ने सेका था ना, वहाँ से इसे वापस से हम लोग ग्रीस कर देंगे। इसे घी से हम लोगों को इसे ग्रीस कर देना है अच्छे से। ऐसे
अगर आपका तवा थोड़ा ठंडा होने लगे तो आप फ्लेम को हाई कर लीजिए, वापस पलट लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से इसमें ब्राउनिश स्पॉट आने शुरू हो चुके हैं। अब नाउ फिर से हम इसे ग्रीस कर लेंगे, तो ब्रश से ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए साइडों में से पराठा फूलने स्टार्ट हो चुका है। और इसे ग्रीस कर लेंगे हम। अब नाउ तो इसे दबाते हुए और हम इसे सेक लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। अब वापस से इसे ग्रीस कर देंगे हम। तो अभी हमें लास्ट बार इसे ग्रीस करना है। अब तब तक दूसरी साइड से हमारा जो पराठा है वो सेक के तैयार हो जाएगा। तो हमें इसे लास्ट बार अभी से हमें ग्रीस करना है और इसे दबाते हुए हम लोग इसे सेक लेंगे। तो अच्छे से घुमाते हुए इसे दबाते हुए इसे सेक लेंगे। साइड में से कच्चा है अभी, तो साइडों में भी थोड़ा घी लगा देंगे हम, तो जिससे ये साइडों में से भी बहुत अच्छे से सिक जाएगा। देखिए ये साइडों में से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फूलने लगा है और दूसरी साइड से भी अच्छे से ये सिकने वाला है। तो फ्रेंड्स आपने इसे कुछ मेजर चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मूली है उससे आपको अच्छे से निचोड़ना है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पराठे हमारे फटने लग जाएंगे। तो ये देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट है, थोड़े क्रिस्पी है थोड़े सॉफ्ट टाइप पराठे हैं। इसका जो मसाला है वो काफ़ी टेस्टी है और उसकी खुशबू तो बहुत ही शानदार है। अब इसे लास्ट हम लोग साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे और जो कच्ची साइड है उसे हम लोग एजेस की साइड इसमें कर देंगे। साइड इसके एजेस की साइड पे करने से क्या होगा, इस जो साइड से हल्के से कच्चे रह जाते हैं ना वो सिक जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारा पराठा दूसरा पराठा भी सिक के रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमारे गर्मा गर्म मूली के पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। सो देखिए कितने टेस्टी हैं और इसे हमने हमारी दही की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ऊपर से मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी हैं और बहुत ईजी सी रेसिपी है और आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स इसमें फाइबर होता है तो ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी रेसिपी है, तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी हमें कैसी आप हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।